जो चाय के शौकीन हैं उनके लिए है ये वीडियो और ये मेरा छोटा सा टिप्स मैसेज कुछ भी समझ लो। यानी कि इस तरह से चाय बनाकर पियोगे तो नुकसान नहीं देगी। कुछ नई नई चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करा करो। चाय इलायची वाली चाय बनाओ और ये वाली देसी खांड देख रहे हो, ये वाली खांड डाल लो चाय में। और इस तरह से मखाने हैं ये, ठीक है, इनको रोस्टेड कर लो, थोड़ा सा नमक डाल के इनको रोस्टेड कर लो। चाहे आप मक्खन डाल के भी इन्हें फ्राई रोस्टेड कर सकते हो, और या फिर रोस्टेड भी ना करो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो चाय के साथ, तो चाय कभी नुकसान नहीं देगी आपको। तो इसलिए मैं कह रही ये वीडियो जो चाय के शौकीन हैं वो लोग ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखा करें हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ये मेरा मैसेज, तो मुझे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और इस तरह से चाय का मज़ा लें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ। बहुत ही बढ़िया इलायची वाली चाय और उसमें देसी खांड डालें और कुछ भी चीज़ ऐसी जो ये मखाने जो होते हैं दोस्तों बहुत ही, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको मोटा करे या नुकसान दे, यानी कि नुकसान की जगह ये फ़ायदा देगी बहुत ज़्यादा। कैल्शियम होती है इसमें, फाइबर होता है मखानों में, तो इस तरह से करके ट्राई करके देखें ज़रूर, ठीक है।